सो हेलो पीसी गेमर से यार, कैसे आप सभी। मैं आप अगर बढ़िया अर्पित फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ पीसी वाई यूट्यूब चैनल में। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई GTA 5 आप किस तरीके से खेल सकते हो 2023 वर्जन। ना भाई मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था बट उसमें मैं कुछ चीज़ें बताना भूल गया था। जैसे इस वाले वीडियो में आपको हेलीकॉप्टर जेट वगैरह सब उड़ाना सिखाऊंगा। एंड भाई ये गेम अभी भी इतना पॉपुलर है, बंदे लिटरली अपना पीसी या कंप्यूटर खरीदते हैं तो उनका फर्स्ट गेम GTA 5 ही होता है। तो वीडियो एंड तक देखना, थोड़ा बड़ा हो सकता है बट डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। सबसे पहले भाई हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कैरेक्टर मूवमेंट से। तो यहाँ पे ये हमने जो है भाई फ्रैंकलिन भैया ले रखे हैं। सबसे पहले बात है आप चलोगे कैसे भाई, चलोगे नहीं तो गेम कैसे खेलोगे। तो ये चलने का काम होता है WASD से। तो जब हम W दबाते हैं तो भाई हमारा कैरेक्टर सीधी से बात है ऐसे सामने की दिशा में चलने लग जाएगा। अब अगर आपको लेफ्ट साइड में जाना है तो हम डेफिनेटली कीबोर्ड पे A दबाएंगे। एंड ये सारे बटन मैं आपको यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ तो दिक्कत की कोई बात है नहीं। तो लेफ्ट जाने के लिए आपको A दबाना है और राइट जाने के लिए जो है आपको D दबाना है। तो ये जो चारों डायरेक्शन है WASD से होगी। और आपको बैक आना है तो हम S का बटन दबाएंगे। तो WASD से बेसिकली जो है हमारा ये इस तरीके से कैरेक्टर चलता है। अब भाई हमें कैमरा कैसे मूव करेंगे, तो कैमरा पूरा माउस से मूव होगा। ये देखो मैंने अपना हाथ बिल्कुल खुला कर लिया ये वाला, एंड दूसरे हाथ से मैं माउस कंट्रोल कर रहा हूँ। तो देखो जिधर जिधर मैं माउस घुमाऊंगा उधर उधर कैमरा जाता रहेगा। और पीछे आप देख सकते हो भाई यहाँ पे सूरज देवता निकल चुके हैं। तो भाई इस तरीके से आप जो है माउस से पूरा कैमरा कंट्रोल कर सकते हो। एंड WASD से आपको जो है अपना कैरेक्टर चलाना है। बट आप बोलोगे भाई अभी तो चल रहा है इतने धीरे धीरे तो कछुए की चाल से जाएगा कहाँ, तो इसको दौड़ाते कैसे। अब देखो दौड़ाने में भी दो मूवमेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग बाहर चलते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसके बाद। तो चलिए फाइनली भाई हम घर से बाहर आ गए हैं, मैं आपको दौड़ के दिखाता हूँ। देखो इसमें दो तरीके से दौड़ सकते हो। अगर आप एक बार शिफ्ट को क्लिक करोगे, एक बार क्लिक करना है सिर्फ, उसके बाद अगर आप W दबाए रखोगे तो ये मीडियम स्पीड में दौड़ेगा। जैसे देखो ये चलना है, ये मैंने एक बार शिफ्ट दबा दिया और ये देखो भाई इतना दौड़ने लग गया। बट अगर आपको फुल स्पीड में दौड़ना है तो आपको शिफ्ट भाई पकड़ के रखना है, पूरा होल्ड कर दो। अब देखो फुल स्पीड, ये है इसकी फुल स्पीड। तो इस तरीके से आप दौड़ सकते हो। अगर आप लोग एक बार शिफ्ट को दबाओगे तो ये मीडियम दौड़ेगा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये हमारा बेसिक है, ये मैं W दबा रखा है। एक बार जो है मैं शिफ्ट दबाऊंगा और ये भाई हमारा कैरेक्टर यहाँ पे मीडियम स्पीड में भागने लग गया है। बट अब इसको हमको फुल स्पीड में भगाना है तो भाई शिफ्ट पकड़ लो, W दबाए रखो और शिफ्ट को इस तरीके से पकड़ लो और ये भाई पूरी ताकत के साथ यहाँ पे भागने लग जाएगा। चलो तो भाई ये सारी बातें होगी, चलना कैसे है, कैमरा किस तरीके से मूव करना है, देखना कैसे है। अब कुछ शॉर्टकट्स की भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। हम जैसे भाई आप सीधे जा रहे हो इस तरीके से, अब पीछे से कोई ना आप अटैक कर दिया एकदम, तो इतनी देर लगेगी भाई माउस घुमाओगे फिर देखोगे अरे कौन है भाई, तो बहुत देर लग जाएगी। तो सिंपल जो सी वाला बटन होता है कीबोर्ड पे वो दबाओ और इस तरीके से ये जो है बैक में देखने लग जाएगा। बहुत काम आता है, कार में भी ये वाला फंक्शन काम करता है। आप इस तरीके से मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कार में बैठ के। कार में यहाँ पे बैठ चुके हैं, ये भाई मैंने फ्रंट कैमरा कर दिया और मैं सी दबाऊंगा तो देखो इस तरीके से बैक का कैमरा आपको दिखने लग जाएगा। तो बहुत काम का कैमरा है एंड मिशंस में भाई बहुत ज़्यादा काम आता है। ये बंदों को पता नहीं रहता तो वो भाई माउस घुमाते रहते हैं उधर, तो इस सीक्रेट का जरूर यूज़ करना। उसके बाद बात करते हैं भाई हमको कहीं पे जाना है, ये मैप है भाई कैसा लगा है इसमें। तो इसके लिए आप मैप के बटन तो सबको पता है भाई एम रहता है, तो एम पे क्लिक कर देना है। ये बेसिकली फुल मैप नहीं है क्योंकि GPS है, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। जैसे आपको सेफ हाउस जाना है तो यहाँ पे सेफ हाउस लगा दो और नीचे अपने आप डायरेक्शन बना आ जाएगा मैप में। जैसे मैं ATM लगा देता हूँ यहाँ पे। एक बार हम लोग इंटर पे क्लिक करेंगे तो देखो नीचे जो है मार्कर लग चुका है ATM का। अगर अभी मैं गाड़ी पे यहाँ पे बैठता हूँ तो देखो ये मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ। एंड देखो भाई पूरा यहाँ पे नीचे मैप में देखिए पूरा रास्ता बता रहा है वो कहाँ से जाना है। तो इस तरीके से आप क्विक GPS सेट कर सकते हो आपको जहाँ पे भी जाना है। और भी ऑप्शन आते हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो ये हम लोगों ने भाई यहाँ पे एम पे क्लिक किया। अब डायरेक्टर मोड भी इसमें आता है। डायरेक्टर मोड में क्या है, आप अपने पसंद का कैरेक्टर बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टर मोड में, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बाद में बना देंगे। आपको दूसरा कैरेक्टर बनना है, कोई NPC वगैरह बनना है तो आप डायरेक्टर मोड में जाके बन सकते हो। डायरेक्टर मोड ये काम करता है। डायरेक्टर मोड के कैरेक्टर्स भी होते हैं खोलने के लिए, बट इतने लफड़े में भी हमको जाना नहीं है क्योंकि हम कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड है इन्वेंटरी, भाई ये दिखाता है कि हमारी इन्वेंटरी में क्या क्या है, मैं दिखाता हूँ। इस पर एक बार जो है हम इंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देखो हेट, अब देखो ये हेट आ गई। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो ऑन रोड भी। यहाँ पे ये मेरे पास पड़ी हुई है जितनी भी हेट। ग्लासेस अगर चश्मा वगैरह लगाने हैं हेड्स चेंज कर सकते हो। ग्लास दिखाता हूँ आपको, तो हम फ्रंट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ग्लास पहन लिया, ये देखो भाई चश्मा पहन ली बंदे ने। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेंट्री में जाके सेट कर सकते हो। मास्क भी लगा सकते हो। दोबारा हम इन्वेंट्री पे जाएंगे, इंटर वाले बटन पे क्लिक करेंगे।
इस माउस पे जाएंगे और यहाँ पे मैं माउस से चेंज कर रहा हूँ। ये देखो भाई, बंदर वाला मास्क आ गया, ये वाला मास्क, जो भी आपने परचेस कर रखे होंगे आपके इन्वेंट्री में होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्विक लगा सकते हो, यानी भाई घर में जाके आप ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो। अगर आपको क्विक चाहिए, मास्क चाहिए, ग्लासेस चाहिए, हेड चाहिए, तो यहाँ पे आप इसमें से चेंज कर सकते हो। चलो भाई, ये सब बातें तो हो गई, बट अगर आपको GTA Vice City में सर्वाइव करना है तो भाई लड़ना तो आना चाहिए। तो देखो, लड़ने के जितने भी कंट्रोल्स हैं ना यहाँ पे, वो माउस से होंगे। तो माउस का आपको लेफ्ट वाला क्लिक करोगे तो देखो भाई, ये इस तरीके से जो है यहाँ पे मुक्के मारने लग जाएगा। अब भाई मुक्कों से क्या होता है, यहाँ तो बंदे गन लेके चलते हैं, कोई भी पेल जाएगा। तो जो ये माउस का बीच वाला व्हील होता है, इससे आप जो इस तरीके से चेंज करके अपनी गन सेट कर सकते हो, जो भी गन आपके पास है। तो ये जैसे देखो, मैंने वाली गन ले ली है। अब गन भी आप दो तरीके से चला सकते हो। पहला तो है सीधा वही वाला, लेफ्ट बटन दबाएंगे हम माउस का तो इस तरीके से चल जाएगी, बट भाई इसमें तो दिख ही नहीं रहा कुछ। तो रियल व्यू करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है हम राइट वाला बटन दबाएंगे माउस का इस तरीके से, तो देखो एक गन व्यू आ जाएगा। उसके बाद बस लेफ्ट वाला बटन दबाओ और शूट करते जाओ। तो इस तरीके से भाई आप गन चेंज कर सकते हो। एक के चला के दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो। तो इस तरीके से भाई आपको चेंज करना है, एंड यहाँ पे आप सारे वेपन्स हटा भी सकते हो। तो ये हो गया बेसिक वेपन्स का। अब बात करते हैं भाई हम थोड़ा सा क्राउच करने की। तो बहुत सारे मिशंस में क्या होता है भाई, हमको स्लोली जाना होता है, ऐसे भगना नहीं होता। अभी बंदा तो ऐसे चलेगा तो सारे जमाने को पता लग जाएगा। तो क्राउच कैसे करना है, क्राउच करने के लिए जो लेफ्ट कंट्रोल होता है हमारे कीबोर्ड पे, वो आपको एक बार दबाना है। और ये देखो भाई हमारा बंदा, आप देखना कितना स्लो चल रहा है। देखो बिल्कुल झुक के चल रहा है, तो किसी को पता नहीं लगेगा। इसमें जो है आवाज़ भी बहुत कम होती है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया भाई क्राउच किस तरीके से करना है, कैसे आप लेस मूवमेंट करोगे ताकि एनिमीज आपको डिटेक्ट ना कर पाए। अब बात करते हैं भाई हम फंस गए, जैसे कि मैं यहाँ पे कार में जा रहा हूँ, किसी बंदे को खेलना नहीं आता, तो फंस गया भाई इस तरीके से। तो कार के ऊपर कैसे जाओगे, जंप कैसे करोगे आप बेसिकली, तो जंप हम करेंगे स्पेस के बटन से। तो एक बार अगर आप दबाओगे तो इस तरीके से, और देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जंप करेगा। ये देखो इस तरीके से ये जंप करेगा। तो इस वाले बटन का इस्तेमाल कहाँ करोगे, फर्स्ट तो जंप करने में, और सेकंड है किसी चीज़ पर चढ़ने में। जैसे दीवार के पास जाएंगे हम, स्पेस दबाएंगे, तो देखो ये भाई दीवार पे इस तरीके से चढ़ चुका है। तो घरों के अंदर घुसने के लिए भी ये निंजा टेक्निक आपको यूज़ करनी है, स्पेस वाली। अब भाई बात करते हैं मेन चीज़ की, कि मैप कैसे खोलेंगे। क्विक GPS तो मैंने सिखा दिया, बट क्विक GPS में पूरी चीज़ें नहीं आती है, तो हम मैप कैसे खोलेंगे। तो मैप आप दो तरीके से खोल सकते हो, या तो आप कीबोर्ड पे P वाला बटन प्रेस कर सकते हो। तो ये मैंने P बटन प्रेस किया और यहाँ पे भाई हम इस तरीके से आ चुके हैं। पॉज मेन्यू है बेसिकली, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ से ब्रीफ्स में जा सकते हो, ब्रीफ्स में आपका मिशन, हेल्प, सब चीज़ें बता देगा। स्टेट्स में बता देगा भाई क्या क्या स्किल है आपके पास, कॉम्बैट, कैश कितना है। 100% चेकलिस्ट का मतलब है आपने गेम 100% कितना कंप्लीट किया है। तो देखो मैंने 84% कंप्लीट कर दिया है, कि मैंने कुछ सीक्रेट चीज़ें भी की नहीं है। यहाँ से आप गेम की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, गेम में भी बहुत सारे आपको मिशन यहाँ पे मिल जाएंगे, दोबारा से मिशन भी आप यहाँ पे खेल सकते हो, एंड ऑनलाइन वाले टैब में जाके आप ऑनलाइन में स्विच कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई हम तो मैप की बात करेंगे। तो देखो मैप कैसे, हमने मैप खोल लिया है, या तो पी वाले बटन से खोल लो। एक और मैं बता देता हूँ, अगर आपको पी वाला बटन पसंद नहीं है तो ESC वाला बटन दबाओ एक बार और आप यहीं पे आ जाओगे पॉज मेन्यू में। अब ये मैप कैसे बड़ा करना है, तो एक बार आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करना है। तो ये हमने एक बार क्लिक किया और देखो मैप इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। अब जो माउस का स्क्रॉल व्हील होता है बीच में, उस तरीके इससे आप जो है इस तरीके से मैप को छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब मैप में भाई हम मूवमेंट किस तरीके से करेंगे ऊपर नीचे जाने के लिए, तो बहुत सिंपल है। माउस का लेफ्ट वाला बटन जो है आपको होल्ड करना है इस तरीके से, और माउस को ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो आप यहाँ पे इस वाले मैप में कहीं पे भी जा सकते हो। ये देखो भाई इस तरीके से ओके। अब जैसे हमको जाना है, मान लो भाई ये इस ग्रीन वाली जगह पे जाना है, एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। अब भाई मार्क कैसे लगाएंगे, तो मार्क लगता है इस इंटर वाले बटन से। तो हम एक बार इंटर पे क्लिक करेंगे और ये देखो मार्क यहाँ पे लग चुका है। मार्क हटाएंगे कैसे, अगर आप दोबारा इंटर पे क्लिक करोगे तो मार्क यहाँ पे हट जाएगा। तो इतना सिंपल है, ये है भाई बेसिक यहाँ पे मैप का, मैप किस तरीके से इस्तेमाल करना। इसको हटाने के लिए वापस से ESC दबाओ और एक और बार ESC दबाओ और वापस आप अपने गेम में आ जाओगे। अब बात करते हैं भाई, अब मान लो जैसे हमने फाइट ले ली, सबसे पहले मैं कोई सा भी वेपन ले लेता हूँ, मैं किसी बंदे से इस तरीके से लड़ गया तो वो तो मुझे यूं ही गोली मार देगा, मैंने तो कुछ पहना भी नहीं है भाई, हेलमेट वेस्ट है यहाँ पे। तो आप कवर कैसे लेंगे, तो क्यू वाले बटन से आप कवर ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी के पास आया हूँ और मैं क्यू वाला बटन दबाऊंगा, तो ये देखो भाई हमारा बंदा यहाँ पे छुप चुका है। तो इस तरीके से आप कवर ले सकते हो, और अगर कवर लेते लेते आप ए और ए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ की, आप कैमरा किस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो कैमरा चेंज करने के लिए जो आपको V वाला बटन यहाँ पे प्रेस करना है, तो अगर आप एक बार V वाला बटन प्रेस करोगे
तो ये वाला कैमरा हो जाएगा थोड़ा दूर वाला। एक और बार अगर प्रेस करोगे तो भाई ये सबसे दूर वाला कैमरा है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। एंड एक और बार अगर आप लोग प्रेस करोगे तो ये है भाई 3D व्यू, जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ भाई खेलने में, इसमें बहुत ज़्यादा रियल इफेक्ट आता है। तो ये भी एक कैमरा है। एंड वापस एक बार क्लिक करोगे तो इस तरीके का ये कैमरा यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई ये इतने से कैमराज है, इसमें आप अपने हिसाब से सेट करके खेल सकते हो। बाकी डिफ़ॉल्ट वाला जो इसके बाद वाला ये वाला कैमरा है, ये डिफ़ॉल्ट रहता है, तो यही ठीक है। चलो तो भाई हमने कैरेक्टर मूवमेंट वगैरह सबकी बात कर ली है, बात करते हैं फ़ोन कैसे चलाना है। तो फ़ोन चलाने के लिए भाई जो अप एरो रहता है आपके कीबोर्ड में, उसको प्रेस करना है एक बार, तो इस तरीके से आपका फ़ोन निकल आएगा। अब फ़ोन को आप दो तरीके से चला सकते हो, माउस की हेल्प से और इन चारों बटनों की हेल्प से अप डाउन। अगर आप अप डाउन करोगे तो देखो भाई सेलेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ होती है ईमेल, कोई भी चीज़ अगर आपको ओपन करनी है तो माउस का आपको लेफ्ट वाला बटन दबाना है एक बार, तो ये देखो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। एक और बार हम दबाएंगे, और अगर आपको कोई भी चीज़ हटानी है तो आपको माउस का राइट वाला बटन दबाना है, ये हमने दबा दिया। और कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, दाएं बाएं करना है, तो अप डाउन और राइट लेफ्ट कीज़ का आप लोग इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पे इंटरनेट भी होता है, और ये स्नैपमेटिक में जाके आप फोटो ले सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो भाई यहाँ पे हमारा स्नैपमेटिक खुल चुका है, ये हमारा कैमरा है। तो इस कैमरे से हम जूम भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें, फ़िल्टर भी आते हैं बहुत सारे, और आप फोटो यहाँ पर ले सकते हो। अब इंटरनेट पर जाना है तो हम लोग इंटरनेट पर जाएंगे, और इंटरनेट से आप गाड़ीज़ खरीद सकते हो भाई, बोट होगी, मोटरसाइकिल होगी, आप कहोगे जो चीज़ खरीद सकते हो। एंड यहाँ पे भाई आपको बहुत सारी किलुमिनाटी वेबसाइट भी मिलेगी, तो किलुमिनाटी वेबसाइट और सारे सीक्रेट भाई आप ऑनलाइन में जाके क्या कर सकते हो, ये सारे सीक्रेट वीडियो मिलेंगे भाई आपको मेंबरशिप टैब में। मेंबर्स के लिए मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा, तो आप भाई बहुत ज़्यादा लो में मात्र 29 रुपीज़ में आप मेंबरशिप ले सकते हो पिछले वहाँ पर, एंड सारे वीडियोज़ ये वाले आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं भाई कार कंट्रोल्स के बारे में। तो भाई कार किस तरीके से ड्राइव करनी है, बहुत सिंपल है। तो कोई भी गाड़ी हुई, जैसे अभी तो ये मेरी कार है, अगर आप NPC आ रहा है, किसी कार चुरा रही है, तब भी आपको जो है F वाला बटन प्रेस करना है। तो F वाला बटन प्रेस करते ही अंदर बैठ जाएगा। और मान लो किसी और की अगर आप लोग कार चुरा रहे हो, तो भाई यहाँ पे एक सेकंड मैं रेडियो बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या भाई, ये उस बंदे को निकाल के फेंक देगा बाहर, और F वाला बटन आपको दबाना है, ज़्यादा इसमें कुछ कारनामा करना नहीं है। अब बात करते हैं भाई ये लाइट्स की, ये लाइट्स किस तरीके से बंद करेंगे। तो इसके लिए जो है H वाला बटन होता है आपके कीबोर्ड पे, वो आपको दबाना है। एक बार दबाओगे तो भाई ये लाइट इस तरीके से फुल हो जाएगी, और एक और बार दबाओगे तो लाइट्स बंद हो जाएगी। तो भाई ये कार लाइट का सिस्टम है, देखो एक बार मैंने दबाई ये लो बीम, ये भाई फुल हाई बीम, और एक बार दबाई तो ऑफ। तो ये है भाई पूरा का पूरा जुगाड़। सेम कार में भी वही ट्रिक रहेगी जैसे मैंने वी से बताया था, आप लोग कैमरा चेंज कर सकते हो गाड़ी में भी, तो मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये ड्राइवर व्यू हो गया हमारा, तो इसी तरीके से आप गाड़ी में जो है कैमरा चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई गाड़ी चलेगी कैसे। तो गाड़ी के भाई कंट्रोल सेम है जैसे हम अपने बंदे को चलाते थे WSD से, वैसे गाड़ी चलानी है। W से आगे जाएगी, A से लेफ्ट जाएगी, D से राइट जाएगी, और S से ब्रेक लगेंगे। तो मैं चला के दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखो भाई WSD वाले कंट्रोल्स यहाँ पे जो है हमको डेफिनेटली यूज़ करने हैं। अब बात करते हैं भाई हैंड ब्रेक कैसे लगेगा। तो अगर आप जो स्पेस वाला बटन है वो दबा दोगे इस तरीके से, तो हैंड ब्रेक यहाँ पे लग जाएगा। देखो मैंने स्पेस दबा रखा है, और मैं कितनी स्पीड दे दूँ मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हैंड ब्रेक लगाने के लिए आपको जो है स्पेस वाला बटन यहाँ पे दबा देना है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल एबिलिटी के बारे में। तो बहुत इजी से समझाता हूँ आपको भाई, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं तीनों, उनके पास एक एक स्पेशल एबिलिटी होती है। यहाँ पे जो मैं कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ फ्रैंकलिन, उसकी स्पेशल एबिलिटी है भाई कार ड्राइविंग, ठीक है। जो हमारा माइकल होता है उसकी स्पेशल एबिलिटी होती है शूटिंग, यानी कि गन बहुत अच्छी चलाता है। और जो भाई ट्रेवर होता है उसकी स्पेशल एबिलिटी होती है गुस्सा, तो भाई उसको इतना गुस्सा आ जाता है उसके गोले वोले मारोगे तो असर नहीं होता या कम होता है। तो हम इसकी स्पेशल एबिलिटी तभी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रैंकलिन की स्पेशल एबिलिटी है ड्राइविंग, तो ड्राइविंग के टाइम ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल एबिलिटी के लिए जो आपको कैप्स लॉक वाला बटन दबाना पड़ता है, हर कैरेक्टर की अलग अलग होती है, मैंने बता दिया तीनों कैरेक्टर की क्या क्या एबिलिटी है। बट फ्रैंकलिन की स्पेशली यूज़ करने के लिए आपको कार में बैठना पड़ेगा। तो अब जैसे देखो सामने बहुत तेज टर्न है, तो मैं उस टाइम पे जो स्पेशल एबिलिटी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ही मैं कैप्स लॉक पे दबाऊंगा होगा क्या गाइस यहाँ पे, कि भाई थोड़े देर के लिए टाइम स्लो हो जाएगा और मैं इजी से अपनी गाड़ी कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो भाई हम लोग चलते हैं, अब देखो इतना शार्प यहाँ पे कट है, तो मैं एक बार कैप्स लॉक दबाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे जो है टाइम स्लो हो चुका है। तो भाई कैप्स लॉक से जो है आप स्पेशल एबिलिटी ऑन कर सकते हो, दोबारा कैप्स लॉक दबाओगे तो बंद हो जाएगी। जैसे मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, ये दबाई हुई मैंने,
ये देखो हमारी एबिलिटी चलती जा रही है। नीचे देखो, नीचे जो आपको नज़र आ रहा है भाई, ये येलो कलर का, ये दिखाता है भाई हमारी एबिलिटी कितनी बची है। तो जो एबिलिटी होती है भाई वो थोड़े से टाइम के लिए होती है, अगर आप चाहो कि भाई हम तो हमेशा इस्तेमाल कर लें तो ऐसा नहीं होगा। नीचे आप पावर देख सकते हो, जब ये पावर दोबारा भरोगी तभी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अभी थोड़ी सी बची है तो मैं थोड़ा टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्पेशल एबिलिटी बहुत काम आएगी मिशन कम्प्लीट करने में डेफिनेटली आप लोगों को। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं भाई, ये जो नीचे तीन बार आ रहे हैं ना मैप के, ये क्या दिखाते हैं? तो मेरे ख्याल से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने ये कुछ लगा रखा है बॉटम बैनर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली जो ये ग्रीन कलर का बार है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये दिखाता है भाई हमारी हेल्थ कितनी है। अगर हम पिटने लगेंगे तो भाई ये हेल्थ यहाँ से दिखाएगा कि हम मरने वाले हैं कि जिंदा है। जो सेकंड ब्लू बार है ये दिखाता है भाई हमारा आर्मर कितना है, आर्मर तो है ना हमारे पास। और जो ये थर्ड येलो बार है ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, स्पेशल एबिलिटी बताता है। लेकिन अगर आप भाई अंडर वाटर कूदोगे तो ये बताएगा भाई कितनी ऑक्सीजन लेफ्ट है। तो ये तीन बार यहाँ पे आपको बेसिकली मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं भाई गाड़ी में रेडियो कैसे स्विच करना है, जो मैंने थोड़े टाइम पहले किया था। तो इसके लिए सिंपल है भाई, आपको क्यू वाला बटन दबाना है। देख सकते हो आप पीछे बैकग्राउंड में भी थोड़ा स्लो हो गया है। क्यू वाला बटन आपको दबाए रखना है, मैंने अभी छोड़ा नहीं। और फिर आप इस तरीके से माउस से सेलेक्ट कर सकते हो, इतने सारे भाई यहाँ पे रेडियो है, आपकी मर्जी हो ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो माउस घुमा के। और अगर आपको रेडियो बंद करता है तो नीचे जो ये भाई कैंसल का चिन्ह है इस पर आपको चले जाना है, डेथ सीट। तो ये हो गया रेडियो का जुगाड़। अब बात करते हैं भाई हॉर्न कैसे बजाना है भाई गाड़ी का। तो देख लो ई वाला बटन दबाएंगे हम, बस भाई ई वाला बटन जैसे ही आप दबाओगे तो हॉर्न बजता रहेगा। ई वाला बटन दबा के रखना, बजते जाएंगे हॉर्न। तो एक बार मैं भाई गाड़ी आपको चुरा के भी दिखा देता हूँ। ये तो निकल गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसकी हम चुराते हैं। पास में जाना है, सेम आपको एफ वाला बटन दबाना है और ज़्यादा जुगाड़ नहीं लगाना है। अब ये बंदा तो भग गया, बहुत सारे बंदे भगेंगे नहीं, लड़ भी सकते हैं आपसे। तो इस तरीके से भाई गाड़ी उसके बाद आपको दौड़ा लेनी है वहाँ से। तो चलो मैं जो है आपको थोड़ी सी बाइक चलाना भी सिखा देता हूँ। तो ये बाइक भाई मैं यहाँ पे उठा के ले आया हूँ, सिंपल है एफ वाले बटन से सबसे पहले आपको बाइक पे बैठ जाना है। ना वो ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, सबसे पहले मैं रेडियो बंद करूँ भाई, इसमें बाइक में रेडियो भी चलता है। ये जो हेलमेट है ना भाई, ये हेलमेट कैसे लगाते हैं? चलो मैं एक बार हट जाता हूँ पहले और इसको हेलमेट हम लोग उतार लेने देते हैं। थोड़ा यहाँ पे हम लोग खड़े रहेंगे ताकि ये बंदा हमारा हेलमेट उतार दे। ये इसने हेलमेट उतार दिया। अब हेलमेट पहनते कैसे हैं भाई? सबसे पहले तो जो है आपको बाइक पे बैठ जाना है बेसिक। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं दबाना है, कोई भी बटन नहीं दबाना है, तो ऑटोमेटिक जो है ये हेलमेट पहन लेगा। अगर आपने कोई बटन दबा दिया तो भाई ये हेलमेट नहीं पहनता है, तो इसलिए आपको रुकना है, कोई बटन नहीं दबाना है, ये ऑटोमेटिक हेलमेट पहन लेगा। बाइक के कंट्रोल से भाई सिंपल है, आप उसी तरीके से चला सकते हो WASD से। पर मैं यहाँ पे भाई आपको व्हीली वरना वगैरह करना सिखा देता हूँ। व्हीली सिंपल है, आपको W वाला बटन दबाए रखना है और जो भाई हमारा 5 नंबर का बटन होता है, नंबर 5, ठीक है, उसको दबाना है आपको। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने नंबर 5 भाई बटन दबाया, ये हमारा बंदा जो है यहाँ पे व्हीली करने लग गया बीच पे। तो इस तरीके से भाई आप लोग व्हीली कर सकते हो। ये देखो भाई 5 नंबर के बटन से, थोड़ा मैं कैमरा चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये हम व्हीली कर रहे हैं भाई 3D में। तो इस तरीके से आप व्हीली कर सकते हो 5 नंबर के बटन से। चलिए तो भाई अब आपको सिखाते हैं तैरना कैसे है। ये तो भाई आता ही नहीं है, बहुत सारे बंदे मर जाते हैं पानी में जाके। तो सबसे पहले हम पानी के अंदर चलते हैं यहाँ से। चलो जी, तो देखो अभी मैं पानी के अंदर हूँ। जब तक आपका सिर ऊपर रहेगा ना तो आप भाई डूबोगे नहीं, सांस लेते रहोगे। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो सेम चलेगा, W से ये जो है आगे चलेगा, A से लेफ्ट चलेगा, D से राइट चलेगा, सेम भाई कैरेक्टर मूवमेंट, बट हमको तेज से। अब देखो भाई ये ऐसे तैरते जाएगा तो कितने साल लग जाएंगे, अरे ठोक मत देना। तो भाई कितने साल लग जाएंगे हमको? तो आपको जो है शिफ्ट प्रेस करना है और देखो भाई W दबाए रखना है और शिफ्ट भी दबाए रखना है, तो देखो कितना तेज तैरने लग जाएगा। ये तो हो गई भाई यहाँ की बात। अब भाई हम अंडरग्राउंड कैसे जाएंगे? हमको तो अंदर डुबकी मारनी, तो गाइस डुबकी लगेगी स्पेस से। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ एक बार। तो ये मैं स्पेस दबाऊंगा और ये देखो भाई मैं पानी के अंदर आ गया। चलो तो गाइस यहाँ पे हमने जो है डुबकी लगा ली है एक, और अब मैं आपको ऊपर जाना सिखाता हूँ। तो आपको S दबाना है और S के साथ में जो है शिफ्ट दबाना है आपको। तो इस तरीके से जो है आप ऊपर आ जाओगे, मरोगे नहीं। और नीचे जो है बार का कलर भी यहाँ पे चेंज हो जाता है, जो मैंने येलो बताया था ना अभी, मैं शायद आपको दिखेगा नहीं वो, मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे बैनर लगा रखा है इस वजह से, बट डेफिनेटली मैं आपको जो फोटो में चेक करवा दूंगा। तो इस तरीके का हो जाएगा, अगर भाई ये कम होने लग गया तो आपकी ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है और आप मर जाओगे पानी के अंदर ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी आपको जो है ऊपर आ जाना है। अब हम वापस चलते हैं। तो भाई लोगों यार मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, 30 मिनट की, बीच में लाइट चली गई तो भाई वो वीडियो रिकॉर्डिंग उड़ गई है। तो मैं दोबारा से कर रहा हूँ, तो ज़रूर यार डेफिनेटली लाइक करने का, वीडियो पसंद आए तो।
एक मैं कैरेक्टर स्विच करना बता देता हूँ आपको, कैरेक्टर किस तरीके से स्विच करना है। तो जो आपके कीबोर्ड में लेफ्ट वाला अल्ट है वो आपको इस तरीके से प्रेस करके रखना है। अब ऐसी स्क्रीन आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब माउस की मत देखो, मैंने अल्ट वाला बटन जो है छोड़ा नहीं है, और फिर माउस की मदद से आप जो है इस तरीके से भाई जो भी चेंज करना हो आप उस पर ले जाके छोड़ देना। जो चौथा कैरेक्टर होता है, यहाँ पे चार कैरेक्टर होते हैं, चौथा कैरेक्टर आपका ऑनलाइन वाला है जो आपने ऑनलाइन में बनाया होगा, बाकी तीन दिखाई देंगे। तो जैसे हम ट्रेवर भैया पे चलते हैं तो ट्रेवर पे माउस लेके गया, डेथ सीट भाई यहाँ पे मैंने जो है छोड़ दिया सब कुछ, अल्ट वाला बटन छोड़ दिया है मैंने, और जो है स्विच हो जाएगा ट्रेवर भैया पे यहाँ पे जाके। तो इस तरीके से जो है आप कैरेक्टर स्विच कर सकते हो। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था भाई मैं हेलीकॉप्टर चलाना भी सिखाऊंगा, तो मैं सिखाता हूँ हेलीकॉप्टर चलाना। सबसे पहले भाई मैं जो है आपको डिटेल में बता देता हूँ, सिंपल है, बिल्कुल कार जैसा है, बट एक अंतर है यहाँ पे। क्या, कार में तो हम सिर्फ WASD का इस्तेमाल करते थे, इसमें आपको नमपैड वाले बटन भी यूज़ करने हैं। नमपैड में कौन कौन सा बटन हमको यूज़ करना है, एक तो नंबर 8 वाला बटन यूज़ करना है आपको, एक नंबर 4 वाला बटन यूज़ करना है, एक नंबर 6 वाला बटन यूज़ करना है, और एक नंबर 5 वाला बटन। तो ये इस तरीके के बटन है, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो इस तरीके से हम अब मैं चला के दिखवाता हूँ एक बार, जब समझेंगे आप। देखो, सबसे पहले हम हेलीकॉप्टर के पास जाएंगे, F वाला बटन दबाएंगे, जो कि हम कार में बैठने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। तो ये भाई जो है हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं। इसके बाद जो है हेलीकॉप्टर को हम लोग स्टार्ट होने देंगे बेसिकली। ये देखो भाई, यहाँ पे हेलीकॉप्टर हमारा चालू हो गया है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताता हूँ। W से हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, और S से लैंडिंग हो गया, यानी कि S से आपका हेलीकॉप्टर जो है नीचे आएगा। A से जो है हेलीकॉप्टर हल्का सा मुड़ेगा लेफ्ट साइड में, और जो हमारा D है उससे हल्का सा मुड़ेगा राइट साइड में। अभी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। बट नमपैड वाले बटन कैसे यूज़ होंगे, जब आप 8 नंबर का बटन दबाएंगे ना, तो आपका हेलीकॉप्टर इस तरीके से आगे झुक जाएगा, तभी तो चलोगे ना भाई, नहीं तो क्या आसमान में जाओगे W से उड़ा के। तो आगे अगर हमको बढ़ाना है तो हमको 8 वाला बटन दबाना पड़ेगा, पर अगर आप 8 वाला बटन दबाए रखोगे तो भाई सीधा ज़मीन में भी घुस सकता है वो। 5 वाले बटन से इस तरीके से ऊपर हो जाएगा आपका मुँह हेलीकॉप्टर का, और जो ये 4 और 6 वाले बटन है ये हमारे काम आएंगे हेलीकॉप्टर को तेज़ी से मोड़ने में। तो देखो, अभी हेलीकॉप्टर मैंने यहाँ पे चालू कर लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब मैं जो है कुछ नहीं दबाऊंगा, W वाला बटन मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, ये देखो, देख रहे हो, W वाले बटन से भाई ये जाता जाएगा आसमान में, निकल जाएगा जितनी हाईएस्ट पे ये जा सकता है। और अगर हम लोग S वाला बटन दबाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो मैंने S वाला बटन दबा दिया, तो वापस देखो हम लोग जो है ज़मीन की तरफ जा रहे हैं। तो जब आपको लैंडिंग करानी है तो आप S वाले बटन से करा सकते हो। अभी हम लोग ऊपर उड़ते हैं हवा में, W वाला बटन मैंने दबा दिया, तो W वाले बटन से ऊपर, S वाले बटन से नीचे। अब देखो मैं A वाला बटन दबा रहा हूँ, तो ये देखो मेरा हेलीकॉप्टर जो है भाई लेफ्ट दिशा में घूम रहा है, पर आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये तो यहीं पे चक्कर मारे जा रहा है। तो दोस्तों यार, माफ़ी चाहूँगा, बट भाई आज इतनी ज़्यादा लाइट जा रही है, मैं बिल्कुल भाई लिटरली परेशान हो चुका हूँ। वीडियो को दोबारा री रिकॉर्ड करता करता तो वापस से आपको सिखाते हैं जो कि हमने पहले सीखा था भाई, W वाला। इसको ऊपर उड़ाता हूँ सबसे पहले मैं, ये देखो गाइस मैंने यहाँ पे उड़ा लिया है, थोड़ा शाम हो रही है अभी। तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये देखो भाई हम लोगों का यहाँ पे हेलीकॉप्टर है। अब मैं A दबा रहा हूँ तो ये लेफ्ट तो घूम रहा है, बट ये जा तो कहीं नहीं रहा, और अगर मैं D दबाऊंगा तो ये राइट तो घूमेगा पर जाएगा कहीं नहीं। तो अब काम आएगा हमारे नमपैड वाले बटनों का। तो आपको जैसे ही आप लोग 8 दबाओगे, देखो W दबाना है आपको, W दबाए रखना है ताकि आपका हेलीकॉप्टर नीचे नहीं जाए, क्योंकि मैंने सिखाया था ना W से हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है। और उसके साथ में आपको जो है नंबर 8 दबाना है। तो ये देखो गाइस, हम लोगों का जो है हेलीकॉप्टर बढ़ने लग गया है। ये देखो भाई, इस तरीके से जो है हमको हेलीकॉप्टर बढ़ाना है। अगर आप नंबर 5 दबाओगे तो देखो आपका हेलीकॉप्टर इस तरीके से ऊपर से उठ जाएगा, जैसा कि मैं बता रहा था। ये देखो नंबर 6 से कितनी जल्दी घूमता है, और नंबर 4 से इधर इतनी जल्दी घूमता है। तो ये है भाई पूरा बेसिक। अब जो है हम इसको लैंड करा देते हैं। हेलीकॉप्टर आप जितना चलाओगे भाई, जितना ज़्यादा चलाओगे उतना ज़्यादा आपको चलाना आएगा। शुरू शुरू में मैं समझ सकता हूँ बहुत दिक्कत होगी, कि हेलीकॉप्टर वन ऑफ द डिफ़िकल्ट चीज़ है यहाँ पर। अब मैं आपको जेट प्लेन सिखा देता हूँ एट दी एंड, एक बार इसकी जो है हम यहाँ पर लैंडिंग करवा देते हैं। तो ये लो भाई, हम लोगों ने यहाँ पे जो इसका लैंडिंग करवा दिया है। सिंपल F वाला बटन दबाएंगे और हम लोग बाहर निकलेंगे। अब दिखाता हूँ जेट प्लेन कैसे चलाना है। तो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि जेट किस तरीके से चलाना है भाई। बहुत ही ज़्यादा सिंपल कंट्रोल से इसके, और हेलीकॉप्टर से चलाना भाई ईजी है इसको। एंड यहाँ पे भाई मैंने ब्रीच कर दी है थोड़ी सी सिक्योरिटी एयरबोर्ड पे, तो मेरे 3 केस लग गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको चलाना सिखा देंगे। तो ये खड़ा हमारा जेट, चलो भाई सीखते हैं कैसे चलाना है। देखो सबसे पहले तो सिंपल कंट्रोल है, आपको जेट के पास जाते हैं, यहाँ पे F वाला बटन दबाना है।
इसमें भी जो है सारे सेम कंट्रोल यूज होंगे, आपको WASD यूज करना है और नंबर 8, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 का इस्तेमाल करना है। जब जेट इस तरीके से जमीन पे रहेगा ना, तब आपको WASD से चलाना है, ठीक है। तो हम W दबाएंगे, जैसे हम W दबाएंगे आगे बढ़ने लगेगा इस तरीके से, तो इसको बढ़ने दो और खाली रोड पे ले जाओ ताकि भाई इसकी थोड़ी सी स्पीड तेज हो। तो अब देखो इसकी स्पीड तेज होने लग गई है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप नंबर 5 दबाओगे तो ये ऊपर से इसका मुंह आगे हो जाएगा। तो ये देखो भाई हम नंबर 5 दबाएंगे, जैसे ही नंबर 5 दबाएंगे हम, ये भाई इसका मुंह ऊपर हुआ और ये हवा में उड़ चला। बट अब दिक्कत ये है कि इसके टायर आपको हटाने होते हैं। आधे जेट्स में तो जो है ऐसे टायर आते हैं जो आप हटा नहीं सकते, अब इसमें हटा सकते हो। तो हम भाई जी वाला बटन दबाएंगे। अगर आप लोग जी वाला बटन नहीं दबाओगे, ये टायर नहीं हटाओगे, तो आपका प्लेन भाई नीचे जाने लग जाएगा, यानी कि इसका लैंडिंग गियर में रहेगा ये। इसलिए जी वाला बटन जरूर दबा देना एक बार हवा में आए बाद। अब सिंपल है, डब्लू वाला बटन अगर आप लोग दबाए रहोगे, अब इसमें बस यही अंतर है, डब्लू वाले बटन से ये ऊपर नहीं जाता है हेलीकॉप्टर जैसा, ये आगे बढ़ता रहता है। नंबर 8 दबाओगे तो इस तरीके से भाई मुंह बिल्कुल नीचे हो जाएगा जेट का और आप स्टंट कर सकते हो। थोड़ा मैं स्टंट करके भी दिखा देता हूँ। नंबर अगर आप 4 दबाओगे, 4 नंबर, तो ये इस तरीके से भाई पूरा लेफ्ट घूम जाएगा, तेजी से लेफ्ट घूमने के लिए। और अगर आप नंबर 6 दबाओगे तो ये इस तरीके से भाई यहाँ पे राइट घूम जाएगा, थोड़ा हाथ आपको बिठाना पड़ेगा। नंबर 5 दबाओगे तो इसका मुंह ऊपर हो जाएगा और ये ऐसे ऊपर जाने लग जाएगा। अब जब हम लोग एस दबाएंगे तो एस वाला बटन इसमें ब्रेक की तरह काम करता है, ठीक है, जेट प्लेन को स्लो करने का काम करता है। डी दबाओगे तो देखो भाई हल्का सा ये राइट की साइड घूम जाएगा, ए दबाओगे तो लेफ्ट की साइड घूम जाएगा। अब इसको भाई पार कैसे करना होता है, तो पार करने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। मेरे को ये वाली स्ट्रीट खाली लग रही है, हालांकि स्ट्रीट लाइट्स हैं। सबसे पहले जो है आपको एस दबाना है, ठीक है, यहाँ पे, और जी दबा देना है ताकि इसके जो भाई टायर है वो नीचे निकल आए। यहाँ पे तो टकराएगा, ज़्यादा ही एस दबा दिया मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं। आराम से इस तरीके से लेके जाना है, प्यार से लेके जाओ बिल्कुल इसको नीचे, एस वाला बटन दबाए रखो। एंड गाइज ये जो है हमने सेफली यहाँ पे लैंडिंग करवा दी है। टाइम लगेगा भाई, कोई भी चीज़ खेलोगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। एफ वाला बटन दबाएंगे और बाहर निकलेंगे। तो ये है जेट प्लेन, सेम चलाना है उन्हीं कंट्रोल से। इसको चलाना ईजी है, जैसा कि मैंने बोला हेलीकॉप्टर चलाने में आपको थोड़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो यही था पीसी गेमर्स आज के वीडियो में। मैंने आपको अभी को जो है बेसिक कंट्रोल सारे सिखा दिए हैं भाई, ड्राइविंग करके दिखा दी सारी चीज़ें। फिर भी भाई कंट्रोल इतने सारे होते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें छूट जाती है, तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट्स में बता देना। और इसके स्पेशल वीडियोस, सीक्रेट वगैरह, किलुमिनाटी के वीडियोस जितने भी है इसमें GTA 5 में, वो सारे जो है मेंबर्स के लिए मैं अपलोड करना चालू करूंगा। तो आप मेंबरशिप ले सकते हो यार, बहुत कम में डेफिनेटली सपोर्ट कर सकते हो। तो यही था आज के वीडियो में। अगर कुछ भी समझने में नहीं आया तो डेफिनेटली कमेंट में मेरे को बता देना, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा आप सभी लोगों को। ये वीडियो अगर आप सभी लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो पिज़्ज़ा फॉर मोर अमेजिंग पीसी गेमिंग कंटेंट के लिए। तो ठीक है पीसी गेमर्स, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।